रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः श्रृङ्गारः सखी मूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिस्त्रीदति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। देवजी ने श्री कृष्ण भगवान से तीन प्रार्थना की। एक तो कंस से हमारी रक्षा करो, दूसरे ये जो आपका वेद्य अलौकिक रूप है, ज्ञान की वस्तु, इसको सर्वसाधारण के सामने मत करो, और तीसरे पापी कंस को इस बात का पता न चलने पावे कि मेरे पेट से तुम्हारा जन्म हुआ है। आपके लिए मुझे बहुत डर लग रहा है। समुद्र विजय भवत भेतो कंसात अहम अधीरथी ही। क्यों डरती हो भगवान सामने चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी, डरती क्यों हो? हमारी बुद्धि जो है वो अधीर है, ये हमारे अधैर्य का ही दोष है, पर डर लगता है। तो देवकी के हृदय में कभी वात्सल्य का भाव आता है और कभी ऐश्वर्य का भाव आता है। वसुदेव के हृदय में भी कभी ऐश्वर्य का भाव आता है और कभी पुत्र का भाव आता है। ये हृदय जो है वो डामाडोल है। इसी से नंद जसोदा के सामने श्री कृष्ण ने दो बार तो जसोदा मैया के सामने विश्वरूप प्रकट किया हो, अपने मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया, दूध पीते समय भी और मिट्टी खाने के बाद भी, और गोवर्धन पहाड़ 7 दिन उनके सामने उठा के हाथ पर रखा। लेकिन जसोदा मैया कहती थी कि हमारे लाला के मुंह में विश्व नहीं है, ये तो हमारी निगोड़ी आंखों की ही गड़बड़ी है। पहाड़ जब उठा लिया श्री कृष्ण ने तो मैया ने कहा कि हमारा नन्हा सा लाला पहाड़ नहीं उठा सकता, ये तो जो पहले हम लोगों ने गोवर्धन जी की पूजा की थी, उस पूजा से प्रसन्न होकर के गोवर्धन देवता उठ गए हैं। नंद बाबा ने कहा ग्वाल बालों ने भी अपनी लठिया टेक रखी है। तो नंद यशोदा को श्री कृष्ण में कभी ऐश्वर्य नहीं दिखता है। गोवर्धन पहाड़ को नीचे रखते हैं तो मैया उठा के छाती से लगा लेती है, और जब मैया की आंख बंद हो जाती है तो उसके बाद गोद में लेके लाला को दूध पिलाने लगती है। यशोदा और नंद तो यही समझते हैं कि ये हमारा बेटा है, उनके हृदय में ईश्वर बुद्धि कभी नहीं होती है। लेकिन वसुदेव देवकी के सामने ही उनके अंदर से भगवान पैदा हुए, प्रकट हुए, परंतु उनके मन में ये ख्याल नहीं है कि ये हमारे बेटा है। कभी आता है कभी चला जाता है, वो तो समझते हैं कि ये ईश्वर है। तो असल में ईश्वर बेटा किसका? पेट से पैदा होने से ही कोई बेटा नहीं हो जाता। कोई पति पत्नी गांठ जोड़ के पैदा थोड़ी होते हैं। अरे बाद में गांठ जोड़ते हैं और मान लेते हैं कि हम पति पत्नी हैं,
बाद में ना गांठ जोड़ते हैं, कोई गांठ जोड़ के पैदा तो नहीं होते हैं। भाव है ना, एक धर्म की रीति से, कानून की रीति से एक मन में भाव पैदा किया जाता है। कोई गोद लिया हुआ बेटा कोई पेट में से थोड़े निकलता है, भाव हो जाता है कि ये हमारा बेटा है। ये जो सखा बनते हैं आपस में, वो कोई एक माँ बाप के बेटे थोड़े होते हैं। जो सहेली बनती है, भाईली बनती है, वो कोई एक माँ बाप की बेटी थोड़ी होती है। तो ये कहां से बनते हैं? भाव से बनते हैं। तो अब देखो, ईश्वर को बेटा बनाने की तरकीब क्या है? वो तो सचमुच मैं पहले हूं और ईश्वर बाद में मेरे द्वारा पैदा हो गए, तब वो हमारा बेटा बनेगा। तो फिर तो वो ईश्वर ही नहीं रहेगा। अगर पहले तुम हो गए और बाद में ईश्वर हो गया तो ईश्वर ही नहीं रहा। तो ईश्वर को बेटा बनाने की तरकीब क्या है, क्या युक्ति है कि ईश्वर बेटा बन जाए? जिसका दृढ़ भाव हो जाए कि ईश्वर मेरा बेटा, ईश्वर उसका बेटा, और जिसके मन में भाव की दृढ़ता नहीं होवे उसका बेटा नहीं। तो देखो, ये लीला का चमत्कार है। क्या? जिसके पेट से श्री कृष्ण पैदा हुए वो तो उनको बेटा नहीं मान सका, और जिसके पेट से पैदा नहीं हुए वो उनको बेटा मान सका। और वो बेटे किसके बने हो? जिसने माना उसके बेटे बने। ये मान्यता का, भाव का यही चमत्कार है। सस्व जाते न शंकितौ वसुदेव देवकी के पास पर श्री कृष्ण बलराम ने अपना सिर रख दिया कंस को मारने के बाद, लेकिन देवकी वसुदेव की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि दोनों हाथ से उनको उठा के छाती से लगा ले। थरथर कांपने लगे, अरे ये ईश्वर हो करके और हमारे पांव पर सिर रखता है? और नंद जसोदा तो ऐसे कि उनके सामने गोवर्धन उठा ले तब भी कहे देखो लाला चोट न लग जाए। उनके मन में बेटे का भाव पक्का है। तो ईश्वर ऐसा क्यों करता है भाई कि जिसके शरीर से पैदा हो वो तो माँ बाप नहीं, और जिसके शरीर से पैदा नहीं हुआ वो माँ बाप? ये बात कहां से आई? बोले भगवान ने ये विचार किया कि संसार में जितने स्त्री पुरुष हैं उन सबके पेट से मैं पैदा हो के अगर बेटा बनने लगूं तब तो ये काम असंभव हो जाएगा। इस तरह से तो भक्ति नहीं बनेगी। चाहे कोई भी स्त्री हो चाहे कोई भी पुरुष हो, अपने भाव से हमको बेटा मान ले, अपना सखा मान ले, अपना पति मान ले, इसी को भक्ति बोलते हैं हो। अपना स्वामी मान ले, अपना गुरु मान ले, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ ले, तो भगवान उसी के पति, उसी के गुरु, उसी के स्वामी, उसी के पुत्र बन जाते हैं। तो भाव से बनने में सुगमता है, पेट से पैदा होकर बनने में तो सुगमता नहीं है। इसलिए भगवान भाव के बेटे हैं, भाव के सखा हैं, भाव के पति हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, ब्रह्मज्ञानी हो तो भी भाई बोला, क्योंकि शरीर और अंतःकरण और इंद्रियों का और भाव का जो संबंध है ना, वो तो व्यक्तिगत जीवन से है, वो ब्रह्म के साथ तो भाव का संबंध नहीं है। जैसे ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्म रहते हुए भी और शरीर से पत्नी होती है, माता होती है, बेटी होती है, बेटा होता है, बंधु होता है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान होने पर भी अपने मन इंद्रियों और देहादिकों का संबंध श्री कृष्ण के साथ रह सकता है और भाव भक्ति भी रह सकती है। ये दैहिक व्यक्तिगत चीज है, ये कोई अव्यक्त तत्व नहीं है। तो तत्व दृष्टि से ब्रह्म होने पर भी व्यक्तिगत दृष्टि से जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं व्यक्ति दृष्टि से, वो व्यक्ति दृष्टि से भगवान के साथ संबंध रख सकते हैं। बोले उनको क्या फायदा होगा?
तो उनको जीवन मुक्ति के विलक्षण रस का आस्वादन होगा। इसमें परोक्ष नहीं है, बिल्कुल अपरोक्ष भाव है। अपरोक्ष भाव ये नहीं कि मरने के बाद श्री कृष्ण मिलेंगे, कहिए नहीं कि गोलोक में जाना पड़ेगा, कहिए सब कुछ नहीं। हमारी चित्त वृत्ति जो है वो धनाकार होने की जगह है, शत्रु आकार ग्रहण करने की जगह है, मित्र आकार ग्रहण करने की जगह, मोह लोभ काम क्रोध बनने की जगह भगवदाकार वृत्ति अंतकरण में रहने लगेगी और संसार से वैराग्य हो करके जीवन मुक्ति के विलक्षण रस का आस्वादन होता है। ताते जे हरि भगत सयाने मुकुति निरादरी भगति लोभाने। ये ज्ञान की रीति है। तो ये बात सुनाना था आपको कि आप एक संबंध मान लो, असल में हृदय में भाव बनाने के लिए कुछ न कुछ बाहर से करना पड़ता है। देखो आप क्या नाम है, कथा श्रवण करने के लिए आते हो, जहां चाहे जहां बैठ जाते हैं, चाहे जैसा आसन हो चाहे जैसी धरती हो, आप एक बात का अनुभव करके देख लो, एक हाथ भर डेढ़ हाथ का वस्त्र आप अलग रखो। आजकल तो स्त्रियां बड़े बड़े परस लेके चलती हैं और पुरुषों के जेब में बड़ी बड़ी फाइलें अट जाती हैं, और जब आपको बैठना होवे तब उसको कहीं भी बिछा के बैठ जाओ, चाहे दरी लगी हो चाहे न लगी हो, विचायत हो चाहे न हो, और यदि मैली हो जाए तो जाके घर में उसको धो के डाल दो और दूसरे दिन फिर उसी को ले आओ। 5-7 दिन 10 दिन अपने आसन पर बैठ करके कथा सुनने का अभ्यास करो। बोले इसमें क्या होगा, कान वही रहेंगे दिल वही रहेगा, कर नहीं, सबके साथ बैठ करके सुनने पर जैसा भाव तुम्हारे हृदय में होता है उससे विलक्षण भाव तुम्हारे हृदय में उदय हो जाएगा। इसकी बात है, अगर देखो साबुन से हाथ धोने पर स्वच्छ होता है ना, और माटी से हाथ धोने पर भी हाथ स्वच्छ होता है, बल्कि माटी से उतना स्वच्छ नहीं होगा जितना साबुन से हो जाएगा, जहां तक स्वच्छता का सवाल है। लेकिन माटी से धोने की विधि है शास्त्र में, और धर्म उत्पन्न होता है विधि से। मिट्टी से हाथ धोने पर जो अदृष्ट उत्पन्न होगा ना, जो पुण्य उत्पन्न होगा इस जन्म में और दूसरे जन्म में सुख देने वाला, वो पुण्य मिट्टी से तो उत्पन्न होता है, साबुन से उत्पन्न नहीं होता है। पुण्य का जो भाव है वो शास्त्रोक्त विधि से उत्पन्न होता है, हैं? वो लौकिक स्वच्छता से उत्पन्न नहीं होता है। साबुन में धोया हुआ कपड़ा और गंगा जी में धोया हुआ कपड़ा, देखने में साबुन से धोया हुआ कपड़ा साफ होगा, लेकिन गंगा जल से धोया हुआ जो कपड़ा होगा वो पवित्र होगा। इसका मतलब है भाव, है ना? भाव बनाने के लिए भी कोई बाहरी क्रिया चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन मन चंगा होए कैसे? मन को चंगा करने के लिए भी तो कोई पद्धति, कोई तरकीब, उसके लिए कोई तरीका अपनाना पड़ता है। बिना तरकीब के, बिना युक्ति के, बिना शास्त्र के विधान के मन चंगा होता ही नहीं, इसलिए कठौती में गंगा नहीं आती। तो अपने हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान की दिव्य मंगलमयी मूर्ति, उसके साथ अपना एक संबंध जोड़ो। संबंध बनाए बिना भाव में पवित्रता नहीं आती है। अब देखो जसोदा में और देवकी में क्या फर्क है। जसोदा का भाव पक्का है कि श्री कृष्ण हमारे बालक हैं। उन्होंने पैदा होते समय चतुर्भुज तो देखा नहीं था, और देवकी ने पैदा होते समय चतुर्भुज देख लिया,
देख लिया तो ईश्वर भाव हो गया, पुत्र भाव में न्यूनता आ गई। इसलिए प्रार्थना करे, कोई अपने बेटे से वरदान मांगता है कि हमारी रक्षा करो, बेटे की तो रक्षा की जाती है। आप ब्रज में चले जाओ, किसी ब्रजवासी के घर में ठाकुर जी की मूर्ति होवे ना, और कहीं प्रणाम करो तो देखो मजा। तो कहते हैं भाई हमारे लाला को आशीर्वाद दो, ये नन्हा बालक छोटा सा, इसको कहो जुग जुग जियो लाला, ऐसे आशीर्वाद दो। इसको छोटे को प्रणाम करना अच्छा नहीं मानते हैं, ये तो छोटा है ना, लाला है। तो इस तरह से भाव बनाना पड़ता है। अब देखो, उपसंहर विश्वात्मन अदो रूप मलौकिकम, शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम, ये जो आपका वेद वेद्य अलौकिक रूप है, भगवान का जो स्वरूप प्रकट है देवकी के सामने, वो अलौकिक है। कपड़ा पहन के बालक नहीं निकलता है, हथियार लेके बालक पेट में से नहीं निकलता है, कुंडल मुकुट धारण करके बालक पेट में से नहीं निकलता है, ये रूप तो अलौकिक है। तो देवकी बोली कि हे विश्वात्मन, आप अपने इस रूप का उपसंहार कर लीजिए, समेट लीजिए। क्यों भाई? अब देखो, कथा सुनाता हूं आपको, भला तो कथा तो फिर कथा ही होती है, हरी कथा कथा और सब वृथा व्यथा। भगवान की कथा कथा है और दुनियादारी की जो कथा है वो वृथा है और व्यथा है, उससे एक दर्द ही पैदा होता है। तो कथा भी तीन तरह की होती है, एक नारद पद्धति की कथा होती है, ये महाराष्ट्र लोग पहले भगवान की पूजा करके दीपक जला के हाथ में करताल लेकर के गाते हैं, नाचते हैं, खड़े होकर कथा सुनाते हैं, वीणा रखते हैं, ये नारदीय पद्धति, इसको बोलते हैं नारद पद्धति है। नारद जी ऐसे भगवान की कथा सुनाते हैं, और व्यास जी जो हैं वो सामने ग्रंथ रख के ग्रंथ का विस्तार सुनाते हैं, व्याख्या करते हैं, बढ़ाते हैं उसको, बढ़ा के सुनाने वाला व्यास। और एक मरकट शैली होती है, वो हनुमत शैली उसको बोलते हैं, हनुमान जी कथा सुनाते हैं। तो वो कैसे कई डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर, उसको हनुमत शैली बोलते हैं कथा के। तो अब व्यास शैली में आप कथा सुनो कि देवकी ने ये प्रार्थना क्यों की कि इस रूप को समेट लो। बोले उसने कहा कि देखो प्रभु, मेरे तो कभी ईश्वर बेटा नहीं हुआ, तो मेरा मन है कि ईश्वर को बेटा बना करके अपने मातृभाव का सुख लूं। मेरे लिए बिल्कुल नई चीज है ये, कि ईश्वर मेरा बेटा और मैं ईश्वर की मैया, ये मातृभाव का सुख मुझे मिले। और ये भी सुन लो, तुम हो ब्रह्म ईश्वर, तुम्हें मां बना करके बेटे पने का सुख कभी नहीं मिला है। तो अगर तुम बेटा बन करके मां का दूध पीना चाहते हो, स्नेह लेना चाहते हो, तो तुम अब चतुर्भुज मत रहो, ये शंख चक्र गदा छोड़ो, बच्चे बनो, हमें माता का सुख मिले और तुम्हें बेटा का सुख मिले। इसके लिए ये जरूरी है कि ये अलौकिक जो रूप है इसका उपसंहार हो जाए, ये न रहे। दूसरी बात ये हुई कि लोग जब बड़ा यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, उपासना करते हैं, प्रेम से ध्यान करते हैं, तब भगवान के रूप का दर्शन होता है। तो
शास्त्र की मर्यादा ये है कि जो भक्ति करे, वेद की मर्यादा ये है कि जो भक्ति करे उसको भगवान के इस शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप का दर्शन होवे। जो ध्यान नहीं करता, उपासना नहीं करता, आराधना नहीं करता, जप नहीं करता, होम नहीं करता, तप नहीं करता, हैं? जब ये रूप तुम्हारा ऐसे गली गली घूमने लग जाएगा तो संसार के जितने साधन संप्रदाय हैं, साधन मार्ग हैं, सबका उच्छेद हो जाएगा। गली गली भगवान मारे मारे फिर रहे हैं, बोला तो फिर कोई क्यों जप करे, क्यों ध्यान करे, क्यों तप करे? तो तुम आए तो हो धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन यदि प्रगट रूप से ऐसे ही रहोगे तो धर्म मार्ग की स्थापना नहीं हो करके उच्छेद हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बात सुनो, कंस को मारना, जरासंध को मारना, दुर्योधन को मारना, जो दुष्कर्मकारी हैं, दुष्कृत हैं, उनका नाश करना। तो यदि तुम मनुष्य का रूप धारण करके उनका नाश करोगे तब तो एक लीला बनेगी और गुणानुवाद का गान होगा, बड़ा सुंदर चरित्र बनेगा। और नारायण रूप से अगर तुमने गोवर्धन उठा लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, है? नारायण रूप से कंस को मार दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? नारायण रूप से धर्म राज्य की स्थापना कर दी तो क्या बड़ी बात हो गई? तुम्हारी लीला में जो गौरव का भाव है उस गौरव का भाव सर्वदा ही लुप्त हो जाएगा अगर तुम इसी रूप में रहोगे तो। न किसी को सखा होने का सुख मिलेगा, न किसी को सखी होने का सुख मिलेगा, न किसी को दूध पिलाने का सुख मिलेगा, हैं? सारी लीला का ही लोप हो जाएगा। इसलिए उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम। बोले कि अच्छा माँ, तुम कहती हो कि इस रूप का उपसंहार कर लो, समेट लो, तो क्या मैं अवतार ही नहीं लूं, अवतार ही समेट लूं? तो माँ ने कहा नहीं, अदो रूपम, अवतार तो रहने दो लेकिन ये रूप नहीं। अब देखो, यहां भी देवकी के मन में ये बात बैठी हुई है कि श्री कृष्ण विश्वात्मा हैं और ये जो रूप चाहे सो छोड़ सकते हैं और जो रूप चाहे सो धारण कर सकते हैं। हुक्म देने में भी ऐश्वर्य का भाव बना हुआ है, उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम। अवतार रहे, रूप न रहे, और चतुर्भुज न रहे। क्या न रहे वो भी बताती है, क्योंकि सलाह भी देती है, मातापना भी है ना थोड़ा। ईश्वर को सलाह देना ये कोई मामूली बात नहीं है। सब अपने को बहुत बहुत अक्कल वाला समझते हैं, तो माँ तो सलाह देती देती है। बोली कि और सारा रूप मत समेटो, शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। एक तो शंख गदा पद्मधारी जो बन के प्रकट हुए हो सामने, ये हथियार तो भेज दो बाबा, डर लगता है इनसे। पेट में से बालक निकले और शंख और चक्र और गदा हाथ में लिए हुए, चक्र घूम रहा है और शंख बजाने के लिए जा रहा है और गदा फेंकने के लिए तैयार। अभी तुम खून खराबा करोगे, क्या पैदा होगे? अब देखो, तो ये कहते हैं कि ये शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जो भगवान पैदा हुए हैं, तो अभी तो कुछ करना नहीं। शंख बजाने का मतलब है कि हे भक्तराज, ये जो अभी तुम्हें इंद्रियां तंग कर रही हैं, विषय तुमको अपनी ओर घसीट रहे हैं, तुम्हारे मनी राम तुम्हारे बस में नहीं होते हैं, घबराओ मत, हम अभी से शंख बजाते हैं, जीत तुम्हारी होगी, ये सब हार जाएंगे। इसलिए भगवान अपने हाथ में शंख रखते हैं भक्तों की जीत की घोषणा करने के लिए।
और बोले भाई कोई दूर से अगर भक्त का नुकसान करना चाहता हो तो उसको मारने के लिए भगवान काल चक्र रखते हैं, समय पलटा खाता है। तुम हमारे एक बाबा थे, बड़े विचित्र सिद्ध पुरुष थे वो, हम लोग उनका सत्संग करने के लिए जाते। एक बार क्या किया उन्होंने कि गंगा जी के बीच में पड़ गई रेती बालू से, उसमें उन्होंने अमरूद के पौधे लेकर के हजारों गाड़ दिए बालू में, हो गंगा जी के बीच में बालू में, और लेके डंडा बैठे रहे कि हम तो बगीचा लगा रहे हैं। लोग कहें कि अरे बाबा बाढ़ आवेगी तो बह जाएगा, कहीं बालू में पेड़ लगता है? बोले नहीं, हमारा बगीचा तो बालू में ही लगेगा। एक आदमी एक दिन बैल लेकर के आया और उसी रास्ते जाने लगा तो बोले कि हम अपने बगीचे में से नहीं जाने देंगे। वो बोला चल बड़े बगीचे वाले बने, कहीं बालू में बगीचा लगता है, हम तो इसी में से ले जाएंगे। अब वो लेके डंडा खड़े हुए तो उसने भी डंडा उठाया, जो डंडा उठाया मारने के लिए बस ऊपर का ऊपर ही रह गया हो, पट से गिर पड़ा। अरे ये क्या हुआ? हम लोगों ने पूछा बाबा ये क्या हुआ, तुमने क्या किया? बोले हमने कुछ नहीं किया, हमारे मन में तो केवल हंसी हंसी खेल खेल था, न हमारे बगीचा न हमारे पेड़ न हमारे कोई पहरेदारी न कोई क्रोध। बोले ये हुआ क्या? बोले भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, है ना, भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। वो देखते हैं कि इसके मन में क्रोध आ गया, ये लाठी मार देगा, तो उसी को गिरा दिया। तो ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं कि भक्त से द्वेष करने वाला जो पुरुष है उसका अनिष्ट हो जाता है, अनिष्ट। तो ये भगवान अपने हाथ में चक्र भी रखते हैं और पास आ जाए कोई अनिष्ट करने वाला तो गदा भी रखते हैं। भला पास वाले के लिए गदा और दूर वाले के लिए चक्र, और प्रेम करने के लिए हाथ में कमल है, ले दिल ले ले है, भगवान दिल। और अलौकिक लक्ष्मी से संपन्न है, तो देवकी ने कहा कि एक तो ये चारों आयुध मत रखो, और दूसरे जो अलौकिक सौंदर्य संपत्ति अपने शरीर में धारण करके आए हो, श्री लोकोत्तर लक्ष्मी जो अंग अंग में छलक रही है, ये सौंदर्य बड़ा वाला जो सौंदर्य है ये मत रखो। बोले कि अच्छा हाथ तो चार ही रखे कि नहीं रखे हैं? तो बोले कि नहीं नहीं हाथ चार मत रखो, दो रखो, सलाह दे रहे। तो उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम, ये भी एक प्रेम है, वो ये भी एक प्रेम है। हमारे गांव में बताते हैं कि वैसे तो एक सज्जन थे, तो उनकी उम्र बहुत बड़ी हो गई थी, 30-35 वर्ष के वो थे, पर गांव से कभी बाहर काशी नहीं गए थे। तो एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि बेटा काशी में एक काम है, जरा हो आओ। तो बोले अच्छा पिताजी, तो उनको 100-200 रुपए दे दिए, वो फेंटे में तोड़े में बांध करके लेके जाओ। अब पहले दिया तो बोले बहुत सावधान रहना है, और ऐसे बांधना, ऐसे जाना, ऐसे रहना। और फिर जब वो घर से निकल के फरलांग दो फरलांग गए तो फिर वो पुकारते हुए आए कि देखो बेटा सावधान रहना। अब वो मीलों तक साथ जाएं और बोले कि सावधान रहना, तो बेटे ने कहा कि पिताजी तुम अपना लो रुपया और तुम ही जाके कर आओ, अब ये काम हमसे होने वाला नहीं है। बोला तो ये जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं, ये पुत्र लोग तो समझते नहीं। बोला माँ के हृदय में हमारे प्रति क्या भाव है, पिता के हृदय में हमारे प्रति क्या भाव है, इसको अगर बच्चे समझने लग जाए ना, तब तो उनका हृदय श्रद्धा से भर ही जाए।
माता के हृदय में ये भाव है कि ये है ईश्वर, तो क्या हुआ जब हमारे बेटे बन के आए हैं, तो क्या रखना और क्या नहीं रखना, इसकी सलाह तो हमको ही देनी है ना। बोले चार भुजा मत रखो, दो रखो। और ये जो बैकुंठ से ही लक्ष्मी अपने साथ लेके आए हो ना, इनको भी थोड़ा भेजो अलग है। का भी जन्म हुआ और बहु साथ साथ, तो पद्म स्त्रिया जुष्टम चतुर्भुजम, हथियार साथ साथ, कहने भेजो अलग भेजो। बोले माँ तुमको ये इतनी बातें क्यों सूझ रही हैं? बोले हमको एक डर है बेटा। क्या? बोले अगर तुम ईश्वर के रूप में रहोगे तो मैं तुम्हारी माँ हूँ ये बात दुनिया में कोई नहीं मानेगा। विश्वम यदि तत्स्वतनौ निशान्ते यथावकाशम पुरुष परो भवान बिभर्सी सोयम मम गर्भगो भूत अहो नृलोकस्य विडम्बनम महत। विश्वम यदेतत् स्वतनौ निशान्ते, जब महाप्रलय का अंत होता है और सृष्टि का प्रारंभ होता है, उस समय भगवान अपने शरीर में इस संपूर्ण विश्व को कैसे धारण करते हैं? जैसे हम लोग रात के समय सपना देखते हुए धरती और समुद्र और वायु और आकाश और कुंभ का मेला, लाखों आदमी, बंबई शहर, सब अपने भीतर धारण करते हैं, उससे कोई वजन हमारे ऊपर बढ़ता है? कोई पाप पुण्य बढ़ता है? जैसे हम लोग सपने में बड़ी लंबी चौड़ी सृष्टि अपने भीतर धारण कर लेते हैं, ऐसे ही महाप्रलय का माने निद्रा का अंत होने पर, योग निद्रा का अंत होने पर, अपने हृदय में इस विश्व के स्वप्न को भगवान धारण कर लेते हैं। वही भगवान सोयम विभर्षि सोयम मम गर्भ गो भूद अहो नृलोकस्य विडम्बनम हितत। वही प्रभु अपने स्वप्न पुरुष में रहने वाली जो एक नारी, एक स्त्री, उसके पेट में गर्भ बन करके रहा, ये बात दुनिया में कौन मानेगा? कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन स्वप्न दृष्टा किसी न किसी रूप में स्वप्न पुरुष में है कि नहीं? स्वप्न पुरुष का अधिष्ठान कौन? स्वप्न पुरुष का प्रकाशक कौन? स्वप्न पुरुष किसमें? स्वप्न पुरुष क्या? तो इसका अर्थ ही हुआ कि जो ये सृष्टि दिख रही है, इसमें परब्रह्म परमात्मा भरपूर है।